अस्सलामु अलैकुम। रोज न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा निसार। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। डेरा इस्माइल खान के इलाके में पुलिस और दहशतगर्दों में मुकाबला। फायरिंग के तबादले में सीटीडी अहलकार शहीद और एक सिपाही जख्मी हो गया। ऑपरेशन जारी। मलीहा लोधी की अक़्वामे मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब ने कहा कि भारत भी झूठ पर मबनी बयानबाजी की असलियत सब पर आया हो गई है। अक़्वामे मुत्तहिदा को बढ़ती कशीदगी कम करने और खत्ते में अमन और सलामती के लिए किरदार अदा करना चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जापान के वजीर आजम से मुलाकात। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कश्मीर का मसला जापानी वजीर आजम के सामने उठाया। कश्मीरियों पर भारतीय मसालिम से आगाह किया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के मजालिम जारी। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलवामा में फायरिंग करके मजीद तीन कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन, इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस को बंद हुए 80 रोज हो गए। खाने पीने की अशिया न मिलने पर कश्मीरी सख्त मुश्किलात का शिकार। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज नवाज शरीफ की तबीयत बेहतर होने लगी। तीन बोतलें खून लगाने से प्लेटलेट्स की तादाद 20,000 हो गई। डॉक्टर अदनान का कहना है कि मजीद प्लेटलेट्स भी लगाए जाएंगे। और बांग्लादेश की विमेन क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। दोनों टीम्स 24 और 25 अक्टूबर को कजाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन करेंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश विमेन्स टीम्स के दरमियान पहला T20 मैच हफ्ते को खेला जाएगा। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिर